देखिए आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इससे पहले मैं लेक्चर आप लोग को दिया था लाइट का, तीन चार चार लेक्चर हम लोग दे दिए हैं, हम दे चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ा रहे थे? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन हम पढ़ा रहे थे, जिसके लास्ट टॉपिक और लास्ट डिस्कशन होगा प्रकाश के परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे हम लोग डिस्कस। तो आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या, इस पे जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, कैसे कैसे टॉपिक है उसमें हम डिस्कस। तो देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पणों द्वारा रेखीय आवर्धन, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कैसे होता है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ये हम देखते हैं। यार रेखीय आवर्धन होता क्या है पहले ये समझते हैं कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। एक छोटा सा आप लोग को हम इम्पोर्टेंट देखिए, रेखीय आवर्धन को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यम बराबर आई बटे वो। यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिखा हूँ और इसी फार्मूले से आप लोग को तुरंत समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं? तुरंत समझ में आएगा। देखिए कैसे समझते हैं, किसी भी यानी कोई भी गोलीय दर्पण द्वारा बना, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई की अनुपात का, अनुपात का बराबर होता है। हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा वस्तु की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात का बराबर होता है। अब देखिए ये तो हुआ यार, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यम से, और इसके यानी आई बाई ओ इक्वल टू माइनस बी बटे यू होता है। ये तो फार्मूला हुआ। ये रहा कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, हम लोग समझेंगे कैसे। हम आप लोग से बताए थे कि फिजिक्स में फिल जब तक नहीं आएगा यार, तब तक मजा नहीं आएगा, पढ़ने की मजा नहीं आएगी। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। ये रहा रेखीय आवर्धन क्या होता है, कैसे हम लोग जानते हैं। आइए इसके बेस्ट कुछ कुछ एक दो तीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को। देखिए इसके बेस्ट पे एक क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लगा रहे हैं। कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण है। क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी वाले यानी 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, यानी f बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, जब अवतल बोल दिया तो सब ऋणात्मक, क्या होगा? सब ऋणात्मक होगा, सब माइनस में होगा। फिर क्या बोल रहा है कि उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, किसकी दूरी दे रही है? u की, यानी u इक्वल टू क्या दे रहा है? u इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू हो गई? u की वैल्यू कितना हो गई? 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू माइनस 15 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए समझते हैं v की वैल्यू क्या होगी। तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसकी प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछा है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा। आपके सामने फार्मूला क्या होता है, 1 बटा f बराबर 1 बटे u प्लस 1 बटे v। इसी फार्मूले पर रखिए, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखिए देखते हैं। माइनस 15 प्लस 1 बाई v, अब 1 बटे v बराबर 1 बटे 15 और माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 बाई 10। आगे देखिए 1 बटे v इक्वल टू इसका एलसीएम 60 आएगा, 30 आएगा ना, 60 नहीं आएगा 30 आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 यानी 2 3 यानी 1 बाई v इक्वल टू माइनस 1 बाई, यानी v की लंबाई क्या जा रही है? माइनस -30। देखिए यहां से हम लोग क्या समझे, f की वैल्यू दे रही है, u का वैल्यू दे रहा है, v का वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग यानी अलग-अलग यानी किसी का भी वैल्यू दे दे यार, u का दे दिया है, v का दे दिया है, तो आप f का निकाल लो, f का दिया है, v का दिया है, u का दिया है, तो इसका निकालो। लेकिन यहां पे एक चीज आप लोग को और समझाना चाहते हैं कि जैसे इसी में कहीं दे दिया, बोल दिया कि एक सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, वस्तु की क्या दे रही है? यहाँ पे वस्तु की लंबाई दिया जा रहा है, इसकी लंबाई दे रही है, वस्तु की लंबाई दे रहा है,
यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई दे रहा है, ऑप और जेक्ट की। अब यहाँ पे ओ इक्वल टू क्या दे रहा है आपका, ओ इक्वल टू एक सेंटीमीटर। आपके सामने फार्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई क्यू बराबर आई बटे ओ, माइनस वी बटे क्यू बराबर आई बटे ओ। पूछ क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। अब देखिए वी की वैल्यू आपके सामने क्या दिया हुआ है, वी की वैल्यू है आपके सामने माइनस 30, और देखिए यू की वैल्यू क्या दिया है माइनस 15 और 1 ओ। ओ की वैल्यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट कितना है एक सेंटीमीटर, इससे ये कटेगा तो होगा तो ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या बताएंगे, 2 सेंटीमीटर होगी। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर 2 सेंटीमीटर, मुझे लगता है कि आपको बहुत ढंग से समझ में आया हो। एक चीज और यहाँ पे, जब दोनों माइनस में है तो अभी माइनस में, क्योंकि एक माइनस यहाँ पहले से था, ठीक है। आप लोगों को क्लियर होगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी बेस्ड और करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है आना, एक क्वेश्चन इसके बेस्ड फिक्स है आना, यानी इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए इसी तरह से बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण वाला हम लोग कर लेते हैं, एक उत्तल दर्पण यानी एक उत्तल दर्पण बोल रहा है, जिसकी क्या बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु यानी प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई दे रही है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं ढंग से, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका किसका हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब, यानी 40 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी क्या बोल रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा यू की, यू की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हो गई तो ये आपका किसका हो गया, वस्तु यानी प्रतिबिंब यानी v की वैल्यू हो गई। अब v का वैल्यू क्या में होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा उत्तल दर्पण में इस साइड के जितने भी इमेजेस बनेंगे आपके सब पॉजिटिव होंगे। और एक चीज और बता दें, कभी भी वस्तु की लंबाई हमेशा सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव का सदैव ऋणात्मक होती है। तो देखिए इसकी जो यानी v की वैल्यू होगी वो 10 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है कि बताइए फोकस दूरी क्या होगा, क्या बोल रहा है, बोला है कि फोकस दूरी क्या, यानी f की वैल्यू पूछ रहा है। अब फार्मूला क्या है मेरे सामने, यही ना फार्मूला, तो 1 बटे f इक्वल टू 1 बाय u, u का वैल्यू माइनस 14 प्लस 1 बाय 10, एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे माइनस 4, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 बाय 14, यानी 1 बाय f, यानी f की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 बाय 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नहीं हुआ छोड़ दो, क्या करो इसको डिवाइड करो, 3 बन जा 3, 3 जा 9, पॉइंट लगा दो यार 3 जा, वही आता चला जाएगा, यानी मिला जुला कर आपका 13.32, ये आपका इतना सेंटीमीटर होगा, यही आपके आंसर। ये देखिए हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन किए हैं, देखिए हम क्वेश्चन का नंबर नहीं डालते हैं तो लगता है यार क्वेश्चन ही अधूरा है, आप लोग भी नंबर डालाना ना, ठीक है। चलिए ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अब कुछ भी बचा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देंगे, बता देंगे कि सर ये बता दीजिए इस चैप्टर में, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत प्रकाश का अपवर्तन से करेंगे, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले और क्या है।